इस सर्दी के आगाज से ही हाथ से बुनी रजाइयों की दुकानों पर रश बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि देसी रजाइयां आज भी रेडीमेड रजाइयों से हजार दर्जे बेहतर हैं। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। तरक्की याफ्ता दौर में आज भी रुई से बनी रजाइयां फादियत रखती हैं। सर्दी शुरू होते ही रजाई बनाने वाली दुकानों पर रश बढ़ गया है। बिलावल रुई की रजाइयां एक तो सर्दी को भी कंट्रोल करती हैं और आज भी ये हाथ से बनी हुई रजाइयां अपनी अफादियत रखती हैं। गाहकों का कहना था, ये जी बहुत अच्छी होती हैं और जो जदीद रजाइयां हैं वो नहीं अच्छी होती, इसलिए हम लेके आए हैं देसी रजाई बनवाएंगे। भी डकती है और अच्छा काम करती है, तो ये दुकानदार भी अच्छे हैं, रेट भी इसका रुई का कम लगाते हैं बनिस्बत शहर के। रुई की रजाई से उसका हमें फायदा ये है ना कि जो शहर की जो रजाई है उस पर हमारी जो सर्दी कवर नहीं होती, तो इसलिए जैसे देसी प्रवाते हैं इसका फायदा है कि सर्दी भी नहीं ज्यादा लगती, रुई भी अच्छी है इनके पास और काफी अच्छा यानी डिस्काउंट भी करते हैं, अच्छे दुकानदार हैं। सर्दी का शुरू होते ही जेल में देसी रजाइयों को बनवाने का काम तेजी में आ गया है। इस वक्त गप जो है वो सर्दी के शुरू होते ही रजाइयां बनवाना शुरू कर दिया है और बाजार की रेडीमेड रजाइयों से आज भी ये जो देसी रजाइयां हैं जिनको रुई भर के तैयार किया जाता है ये आज भी अफादियत रखती हैं। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम।